जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। एक बात पर सबको विचार करना है कि मुझे बनना है, मैं बन गया। अगर ये कोई मानता है तो वह पिछड़ जाता है। मुझे बनना है, चिंतन यह हो कि जो मैं आज हूं कल वैसा न रहूं, मुझे और बनना है। बनना है, कल बनना है, यह तो बहुत सूक्ष्म बात होगी, इतना चिंतन बहुत कठिन होता है। पर मैं आज 10 वर्ष का हूं तो मुझे जब युवा बनूं तो क्या बनना है, यह सोचना है। और जो युवा है उसे सोचना है कि मैं प्रौढ़ बनूं तो उस समय मुझे क्या बनना है। प्रौढ़ यह चिंतन करें कि जब मैं बूढ़ा बनूं तो मुझे बूढ़ा बनकर कैसे बनना है। बनने की बात इस परिवर्तनशील दुनिया में हर आदमी को सोचना चाहिए। अगर हमारी दुनिया परिवर्तनशील न हो तो फिर बनने की बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। परिवर्तनशील एक प्रवाह, जीवन एक प्रवाह है। नदी का पानी जो चला गया वह फिर नहीं आता, दूसरा पानी आएगा, वह नहीं आता। तो जीवन एक प्रवाह है और उस प्रवाह में नित नया आता रहता है। तो जीवन को कैसे जिया जाए, जीने की कला, और जीने की कला का मुख्य सूत्र है निर्माण। मुझे बनना है, क्या बनना है, विस्तार में तो बहुत है। अगर संक्षेप में सोचा जाए तो एक शब्द को पकड़ लें कि मुझे अच्छा आदमी बनना है, अच्छा आदमी बनना है। एक शब्द में भावी की सारी कल्पना समा जाती है, अच्छा आदमी बनना है। फिर प्रश्न होगा अच्छा आदमी कौन। हम व्यक्ति को बताएं तो बड़ी कठिनाई है। अगर कह दें ये आदमी अच्छा है तो कुछ लोग पीछे आएंगे, कहेंगे आपने अच्छा कहा पर उसमें तो इतनी त्रुटियां हैं, खामियां, अच्छा नहीं है। बहुत कठिन होता है। हम किसी व्यक्ति की ओर इंगित नहीं कर सकते, केवल लक्षण बता सकते हैं, पहचान बता सकते हैं। आचार्य भिक्षु के पास एक आदमी आया और बोला कि आप बड़े जानकार हैं, बड़े विद्वान हैं, तत्वज्ञ हैं, मर्म को जानते हैं, आप बताएं कि साधु कौन है। आचार्य भिक्षु ने कहा बड़ा जटिल प्रश्न है तुम्हारा, मैं बहुत प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं पर साधु कौन है मैं किस व्यक्ति को बताऊं। मैं किसी व्यक्ति को नहीं बता सकता, केवल पहचान बता सकता हूं। पहचान को समझ लो, फिर तुम स्वयं निर्णय करो। प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए और विस्तार से समझाया, एक दृष्टांत के द्वारा समझाया कि देखो एक वैद्य के पास एक आदमी आया, आखिर बोला वैद्य जी बताएं हमारे गांव में कपड़ा पहनने वाले कितने हैं, नंगे कितने,
बड़ा अजीब प्रश्न था। वह बोला, मैं किसको बताऊं कि मुझे तो दिखाई नहीं देता, आपसे ही पूछना चाहता हूं। बोला, मैं इस झंझट में नहीं जाऊंगा, मैं एक काम कर सकता हूं कि तुम्हारी आंख में ऐसा अंजन आंजूंगा, ऐसा सुरमा आंजूंगा कि तुम्हें दिखने लग जाएगा, और फिर तुम स्वयं निर्णय करना कि गांव में नंगा कौन है, कपड़ा पहनने वाला कौन है। आचार्य भिक्षु ने कहा, मैं भी तुम्हें पहचान बता दूंगा और तुम स्वयं निर्णय करना कि साधु कौन है। मैं भी उसी बात का अनुसरण कर रहा हूं, अगर कोई मुझे पूछे कि अच्छा आदमी कौन, इंगित करना बड़ा कठिन होता है, जिसको अच्छा बताऊं पता नहीं भीतर में क्या क्या निकल जाए, बहुत कठिन होता है। केवल पहचान बता देता हूं कि अच्छा आदमी कौन होता है। पहचान में पहला लक्षण है कि अनावेश, जो व्यक्ति अपने आवेशों पर नियंत्रण कर सकता है, अपने क्रोध, अहंकार, माया, कपट, लोभ, भय, वासनाएं, इनका जो आवेश है तीव्र, उस पर नियंत्रण कर सकता है, वह अच्छा आदमी है। नियंत्रण बहुत जरूरी होता है, जो नियंत्रण नहीं कर सकता वह कभी क्रोध के कारण, कभी लोभ के कारण झगड़ा करता रहता है, और कभी बिना मतलब कल्पना के सहारे भी लड़ाई करता रहता है। काल्पनिक लड़ाइयां बहुत होती है, संदेह हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, कभी कल्पना की और लड़ाई शुरू हो गई। एक कहानी, बड़ी मार्मिक कहानी है इस विषय में, कि कैसे लड़ाई शुरू हो जाती है, कैसे आवेश उभर जाता है जब अपना नियंत्रण नहीं होता। एक किसान दूसरे किसान के घर पर गया, बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते बोला कि मैं इस वर्ष गन्ने की खेती करना चाहता हूं, गन्ना बोऊंगा। कहां बोओगे? कि जो तुम्हारे घर के सामने खेत है वहां गन्ना बोऊंगा। वह बोला कि यह मत बोना। क्यों? कि मैं भैंस खरीदना चाहता हूं और ये स्थान रुक जाएगा। तो उसने कहा, अभी भैंस मत खरीदो। क्यों? अच्छा नहीं है, मैं यहां गन्ने की बुआई करूंगा, गन्ना पैदा होगा, तुम्हारी भैंस मेरे गन्ने को खा जाएगी, तब मैं भैंस को पीटूंगा। उसने कहा, कैसे पीटेगा? मैं देखता हूं कैसे पीटेगा। उसने कहा, हाथ में लाठी थी, ऐसे पीटूंगा। उसने कहा, तू पीटेगा तो मैं तुझको पीटूंगा। अब बात बात में, कल्पना कल्पना में लाठियां चल पड़ी, आपस में काफी लड़े, सिर फुटोबल हो गया, पुलिस पकड़ कर ले गई, न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया, और न्यायाधीश ने पूछा, बोलो भाई किस बात की लड़ाई? सारी बात सुनाई। तो न्यायाधीश ने कहा कि तुमने कब गन्ना बोया? कि हजूर, मैंने बोया नहीं, मैं तो बता रहा था कि यह गन्ना बोऊंगा। और उसे पूछा, बोलो तुमने कब भैंस खरीदी? हजूर, मैंने भैंस खरीदी नहीं, इसने कहा गन्ना बोऊंगा, तब मैंने कहा मैं भैंस खरीदूंगा, और तब ये बोला कि भैंस खरीदेगा तो मेरे खेत में आ जाएगी, गन्ना खाएगी, तो मैं उसको पीटूंगा। मैंने कहा, कैसे पीटेगा? बात बात में लड़ाई होगी, आवेश पर नियंत्रण नहीं, हर बात साधारण बात को लेकर उत्तेजना में आ जाते हैं, कल्पना के सहारे भी आ जाते हैं, संदेह के सहारे भी आ जाते हैं, और बात करते करते भी आ जाते हैं।
लड़ने की वृत्ति मनुष्य में होती है, मनोविज्ञान में कुछ मौलिक मनोवृत्तियां मानी है, उनमें एक संघर्ष की मनोवृत्ति होती है कि संघर्ष तो है ही, और वह किसी कारण से संघर्ष उभर आता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा आदमी वह है कि जिसका अपने आवेशों पर नियंत्रण होता है। क्रोध सब भी है, हमें कोई खास कठिनाई नहीं। कठिनाई कब होती है? जब क्रोध का आवेश बन जाता है। दो शब्द हैं मनोविज्ञान के, एक भाव और एक संवेग। क्रोध का भाव तो रहता है पर संवेग सदा नहीं रहता। जब क्रोध उत्तेजना की अवस्था में आता है तब क्रोध का संवेग बन जाता है। हम क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकते, क्रोध के संवेग पर नियंत्रण कर सकते हैं। मनोविज्ञान में क्रोध पर नियंत्रण करने की बात नहीं है, भाव पर नियंत्रण करने की बात नहीं आती, केवल संवेग को कैसे बदला जाए, कैसे उसका उदात्तीकरण किया जाए, सब्लिमेशन, कैसे उसका परिवर्तन किया जाए, यह बात आती है। अध्यात्म में दोनों बातें हैं, उदात्तीकरण या मार्गांतरीकरण की बात भी है और क्रोध पर समाप्त करने की बात भी है कि कैसे क्रोध का निर्मूलन किया जाए। सामान्य विद्यार्थी या सामान्य आदमी क्रोध का निर्मूलन तो शायद नहीं कर सकता, बड़ी लंबी साधना की बात है। निर्मूलन नहीं पर क्रोध संवेग न बने, अहंकार संवेग न बने, भाव तक रहे संवेग न बने, बस इतनी स्थिति आ जाए तो भी वह आदमी अच्छा आदमी बन सकता है। हम यह देखें तो अच्छा आदमी वह है कि जिसमें क्रोध का निर्मूलन हो गया, ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है, खोजना भी मुश्किल है, कहाँ से मिलेगा? कोई वीतराग होगा जिसमें निर्मूलन हो गया, बहुत कठिन बात है। पर क्रोध संवेग न बने, आवेश न बने, उत्तेजना न बने, और जब क्रोध आवेश बनता है उस समय आदमी भान भूल जाता है, क्रोध के आवेश में अकरणीय कार्य भी कर लेता है, गाली भी बकता है, हाथापाई भी करता है, मारपीट भी करता है और कभी कभी हत्या भी कर देता है। आवेश पर नियंत्रण, हम ये नहीं बता रहे हैं कि क्रोध पर नियंत्रण, क्रोध के आवेश पर नियंत्रण। क्रोध पर नियंत्रण नहीं होता, उसका तो निर्मूलन होता है, जड़ से उखाड़ फेंकना, बहुत लंबी बात, और वह एक सामान्य गृहस्थ के लिए बड़ा कठिन है, साधक के लिए भी बड़ा कठिन है। वो कितनी लंबी साधना करते करते कभी क्रोध का उन्मूलन होता है, निर्मूलन होता है, किंतु हमारा ध्यान संवेग की ओर जाना चाहिए कि हमारा जो क्रोध है वह आवेश न बने। आवेश की भी कई अवस्थाएं हैं, मंद, मध्य और तीव्र। मंद आवेश होता है वह भी इतना खतरनाक नहीं होता, जब आवेश मध्य बनता है वहां से खतरा शुरू होता है, और तीव्र बनता है तो वहां तो खतरा ही खतरा है, सारा नुकसान ही नुकसान है। हम इस दिशा से चलें कि क्रोध का आवेश तीव्र न बने, उसकी साधना करें, फिर दूसरी साधना करें कि क्रोध का आवेश मध्य भी न बने, मध्यम न बने, और फिर क्रोध का आवेश मंद रहे। जिस व्यक्ति ने आवेश पर नियंत्रण कर लिया, वो तीव्र आवेश नहीं करता, संवेग को तीव्र नहीं बनाता, एक अच्छे आदमी का लक्षण है। अच्छा आदमी वह है जिसका अपने आवेश पर नियंत्रण है, बेकाबू नहीं होता, काबू है उस पर,
लगाम हाथ में है, लगाम किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, वह अच्छा आदमी होता है। दूसरा लक्षण अच्छे आदमी का, दूसरी पहचान, अनाग्रह, आग्रह नहीं करता। छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी सुना जाता है, माताएं या परिवार के लोग कहते हैं कि मेरा लड़का जिद्दी बहुत है, जिद्दी बहुत है। पता नहीं, आग्रह बचपन से ही आ जाता है, आग्रह कब से ही आ जाता है, तो मेरा लड़का जिद्दी है। यह जिद अच्छा नहीं होता, बस बात को पकड़ लिया फिर छोड़ता नहीं है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि बड़े लोग तो आग्रही हो सकते हैं, पर छोटा बच्चा आग्रही कैसे हो सकता है? उसका तो सारा जीवन माता के साथ चलता है, पिता के साथ, परिवार के साथ चलता है, वह आग्रही कैसे हो सकता है? पर आग्रह भी लगता है मनुष्य की प्रकृति है। बात को पकड़ लिया तो बस मैं कहूँ वैसा ही होगा, मैं चाहूँ वैसा ही होगा, एक आग्रह हो जाता है। एक माँ ने अपने बच्चे से कहा, जो 8-10 वर्ष का था, बड़ा था, उससे कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे 1-2 घंटा लगेगा, ये तुम्हारा छोटा भाई है, 3-4 वर्ष का 5 वर्ष का है अभी, जो छोटा भाई है वह घर में है, तुम ध्यान रखना, इसको रुलाना मत, इसको खूब प्रसन्न रखना। माँ चली गई, वापस आई तो देखती है कि बच्चा रो रहा है। माँ ने कहा, अरे मैंने तुझे कहा था इसको रुलाना मत और ये तो रो रहा है। मैं बोला, माँ मैं क्या करूं? तूने कहा राजी रखना, मेरे छोटे भाई ने मुझे कहा कि मुझे घर से बाहर ले चलो। घर के बाहर आंगन था, जहाँ कच्चा आंगन, धूल थी, बरसात हुई हुई थी, तो मुझे वहाँ ले चलो। मैं वहाँ ले गया, मैं बैठा, रेत से खेलने लगा। मैं बच्चे बहुत शौकीन होते हैं रेत में खेलने के लिए, बड़े बड़े शहरों में जहाँ फ्लैट में रहते हैं, उनको कभी राजस्थान में आते हैं बालू मिल जाती है तो वहाँ की पूरी कसर निकाल लेते हैं, बड़े शौक होती है। तो मुझे वहाँ ले चल, मैं ले गया, बच्चा खेलता रहा। वो एक गड्ढा खोदा, रेत गीली थी, भीगी हुई थी, गड्ढा खोदा, कुछ समय बैठा रहा। अब बोला कि भाई भीतर चलो और उस गड्ढे को साथ में ले चलो। अब मैंने कहा गड्ढा नहीं चलता, नहीं ले जाना ही होगा, गड्ढे को साथ में ले जाना होगा या नहीं छोड़ूंगा, मेरा गड्ढा मेरे साथ जाएगा। मैंने बहुत समझाया पर समझा नहीं, तो फिर मैं जबरदस्ती उसको घर में ले आया और यह इसलिए रो रहा है कि मेरा गड्ढा बाहर रह गया, मैं यहाँ आ गया। अब माँ तुम बताओ कि मैं क्या करूँ इसका। हम इस कथा का सार ले सकते हैं कि बच्चे में आग्रह शुरू से हो जाता है, जिस बात को पकड़ लेता है समझ कम होती है, मस्तिष्क अपरिपक्व होता है, चिंतन भी नहीं होता, एक बात को पकड़ लेता है वह पूरी हो जाए तब तो ठीक है, नहीं हो तो फिर रोना शरणम बन जाता है, बस रोते रहो रोते रहो रोते रहो, फिर रोता ही रहता। तो लगता है कि आग्रह भी एक सहज प्रकृति है जो बचपन से भी शुरू होती है और आगे जाकर और बढ़ जाती है। और आग्रही आदमी हमेशा समस्या पैदा करता है। जो जिस व्यक्ति में अनाग्रह है वह तो वास्तविकता को समझने का प्रयत्न करता है, और जिसमें वह समझ पूरी नहीं होती वह समझने का प्रयत्न नहीं करता। जो जिद ठान ली, जो आग्रह कर लिया, बस उसी पर डट जाता है, यह अच्छा आदमी नहीं होता। अच्छा आदमी वह है जिसमें अनाग्रह है, जो समझ पूर्वक काम करता है, किसी बात का आग्रह नहीं करता कि बस यही ठीक है, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है,
ऐसा कभी नहीं करता वे। अच्छे आदमी का एक लक्षण है अनावेश, आवेश पर नियंत्रण। दूसरा लक्षण है अनाग्रह, यानी वास्तविकता को समझने का प्रयत्न करना अथवा दूसरे की बात को समझने का प्रयत्न करना। दूसरे की बात को, जो दूसरे की बात को समझने का प्रयत्न नहीं करता, दूसरे को समझने का प्रयत्न नहीं करता और बस अपने आप को सब कुछ मान बैठता है कि मैं सोचता हूँ वही ठीक है, मैं करता हूँ वही ठीक है, मैं पहनता हूँ वही ठीक है, मैं खाता हूँ वही ठीक है, सब अपने आप को सारी बातों में ठीक मानने लगता है, दूसरी तरफ ध्यान नहीं देता, वह आदमी आग्रही बन जाता है। जब ये देखे कि मैं हूँ और दूसरा भी है, मैं सोचता हूँ तो दूसरा भी सोचता है, मुझ में समझ है तो दूसरे में भी समझ है, सामने दूसरे को रखता है, तुलनात्मक दृष्टि से देखता है, वह आग्रही नहीं बनता। कोई एक युवक किसी गुरु के पास गया और गुरु ने उसको बातचीत में कह दिया कि तुम ये अनुभव करो मैं भगवान हूं, तुम सब कुछ कर सकते हो, ये सोचो मैं भगवान हूं। इतना पाठ पढ़कर आ गया और बाजार में आया, बातचीत हो रही थी तो दूसरे युवक को एक चांटा जड़ दिया कि तू जानता नहीं मैं भगवान हूं। उसने कहा तू भगवान है तो मैं भी भगवान। उसने फिर चांटा जड़ दिया उसके। लड़ाई आगे बढ़ी, आगे पहुंची, न्यायालय तक पहुंच गई तो जज ने पूछा कि तूने इसके चांटा क्यों जड़ा, कि मैं भगवान हूं, भगवान हूं, सब कुछ कर सकता हूं। किसने पढ़ाया है तुमको पाठ, के अमुक गुरु ने पढ़ाया कि गुरु को बुलाओ, ऐसी गलत बात क्यों बताई, क्यों पढ़ाई। गुरु को बुलाया गया तो आपने ये गलत बात क्यों पढ़ाई इसको, जिससे कि ये दूसरे को चांटा जड़ता है, अपने को सब कुछ मानता है, दूसरे के साथ अन्याय करता है। गुरु बोला हजूर मैं क्या करूं, पूरा पाठ नहीं पढ़ा, मैंने एक पाठ पढ़ाया और बस ये इसने समझा सब कुछ पढ़ गया। मेरा अगला पाठ यह था कि मैं भगवान हूं ये मानो और तो साथ ये मानो दूसरा भी भगवान है, जितने मनुष्य सब भगवान है, ये मेरा पूरा पाठ होता, पर इसने पूरा नहीं अधूरा पाठ पढ़ा, अपने आप को भगवान मान बैठा, वह सोचता है मैं सबके साथ कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मैं भगवान। यह समझना है कि मैं भगवान हूं, आत्मा भगवान है तो दूसरे की आत्मा भी भगवान है। जो व्यक्ति दूसरे को बराबर देखता रहता है वह आग्रही नहीं बनता और कोई गलत काम भी नहीं करता, केवल अपने आप को मान लेता है सब कुछ, वह समस्या पैदा होती है। यह बोध पाठ बहुत जरूरी है परिवार के लिए, सास ये मान ले कि मैं ही सब कुछ हूं, वह कलह शुरू होता है। बहू मान ले मैं ही सब कुछ हूं, वह कलह शुरू होता है। पिता माने कि मैं ही सब कुछ हूं, लड़ाई शुरू हो जाती है। और पुत्र मान ले कि पिता क्या जानता, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वहां भी लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को सब कुछ न माने, अपनी सीमा को समझने का प्रयत्न करे। सीमा बोध यह अच्छे आदमी का एक तीसरा लक्षण बनता है, सीमा बोध, सीमा को समझे। मेरे ज्ञान की भी सीमा है, मेरे चिंतन की भी सीमा है, मेरी क्षमता की भी सीमा है, मेरे कार्य की भी सीमा है, सब सीमा है। सीमा में जीने वाला आदमी अपने को असीम मानकर दूसरे के साथ व्यवहार करता है, वह आग्रहपूर्ण और अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है। अपनी सीमा को समझना चाहिए कि मेरी सीमा है। जितने लोग साथ रहते हैं अपनी सीमा का बोध रखे तो शायद कलह कम होगा, पर अपनी सीमा को नहीं समझते
वहाँ समस्या पैदा होती है। हम अगर साधु संस्था में लें, एक अग्रणी है और साथ में दो तीन चार है, अग्रणी की भी सीमा है। अगर वह सीमा न समझे और असीम का व्यवहार करे तो फिर शांतिपूर्ण सहवास नहीं हो सकता। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः।